ओके, क्विज शुरू करते हैं। शेयरिंग और फीलिंग्स। मैं शीशराज, क्लास 3 EVS। शेयरिंग और फीलिंग्स, इसमें ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में दिया हुआ है। ये जो व्यक्ति बैठे हुए चश्मा लगाए रवि भैया हैं, जिसके बारे में ये चैप्टर है, स्टोरी है ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में। हु इन्वेंटेड स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड, किसने इन्वेंट किया इस स्क्रिप्ट को? लुइस ब्रेल, न्यूटन, नन, आइंस्टीन। तो ऑप्शन इसमें आएगा ए, लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, लुइस ब्रेल बिलोंग्स टू जापान, फ्रांस, इंडिया, अमेरिका। लुइस ब्रेल कहाँ से संबंधित हैं? जापान के थे कि फ्रांस के थे कि इंडिया के या अमेरिका के? तो इसमें ऑप्शन आएगा बी, फ्रांस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सेंस विच हेल्प द ब्लाइंड मोस्ट, कौन सा सेंस होता है जो ब्लाइंड का हेल्प करता है? स्मेल है, नन, टच एंड फील, बोथ। तो इनमें से कौन सा है सेंस है जो उनकी हेल्प करता है? टच एंड फील। देर इज अ स्पेशल वे ऑफ डैश फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, उनका स्पेशल वे होता है रीडिंग का और राइटिंग का। लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं? डॉट्स के द्वारा, वो जो अपना हाथ टच करके, उंगली टच करके उसको पढ़ते हैं। राइट थ्री प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल हु कैन नॉट सी, तीन उनकी क्या प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं जिनको दिखाई नहीं देता? तो इसमें आएगा रीड, वॉक एंड सी प्रॉपरली, पढ़ नहीं पाते अच्छे से, चल नहीं पाते अच्छे से और देख नहीं पाते। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट डज द स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग कॉल, इन विच इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग ए रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स विद अ पॉइंटेड टूल, उसको फोनिक्स बोलते हैं कि ब्रेली बोलते हैं कि नन ऑफ दीज या इजिप्टियन राइटिंग बोलते हैं उसको? तो उसको ब्रेल बोलते हैं, ब्रेल लिपि बोलते हैं। पीपल हु कैन नॉट सी फेस प्रॉब्लम इन रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, ऑल ऑफ दीज, इन तीनों चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रेली स्क्रिप्ट, ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है? चलिए टाइप करते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि क्या है? तो ब्रेली स्क्रिप्ट इज यूज फॉर ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड पर्सन के लिए इसको यूज किया जाता है, वो लोग इसको यूज करते हैं। देयर आर 6 डॉट्स इन दिस स्क्रिप्ट, इसमें 6 डॉट होते हैं, बताया था आपको, स्लेट लाए थे बताया था। लुइस ब्रेल डिस्कवर्ड दिस स्क्रिप्ट, लुइस ब्रेल ने इस स्क्रिप्ट को डिस्कवर किया था। ही वॉज फ्रॉम फ्रांस, कहाँ से थे वो? फ्रांस से थे, ये भी आपको बता दें। इट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जब लिखा जाता है इसको पेज डाल के उस स्लेट में, तो इसको राइट से लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन जब पढ़ा जाता है इसको, जब रीड किया जाता है, तो उस पेज को उल्टा कर लेते हैं, और क्योंकि वो डॉट जो है वो नीचे की तरफ उभर जाते हैं, फिर उल्टा करते हैं और उस पर उंगली घुमा के पढ़ देते हैं। ठीक है, हु इज़ ब्रेली, ब्रेल कौन है? लुइस ब्रेल जो है ना, उसके बारे में पूछ रहा है, ये ब्रेल कौन है? लुइस ब्रेल है, लुइस ब्रेल के बारे में दिया हुआ है, जो फ्रांस के हैं, इन्होंने इसका इन्वेंट किया था, और 3 साल के थे जब वो, तो किसी नुकीले धारदार औजार से आँखों में लग गई थी उनके, और वो उनकी जो आई साइट है वो चली गई थी, और उन्होंने ही इसका ब्रेली स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, जो लोग देख नहीं पाते हैं, हम लोग उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? बाई मैनी वेज वी कैन हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, क्रॉसिंग द रोड, उनको रोड क्रॉस करवा सकते हैं, उनके लिए हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, कोई बुक पढ़नी है,
उनके लिए वो पढ़ सकते हैं। उनको कुछ पकड़ाना है, पानी पकड़ाना है, वो खाना पकड़ाना है, वो हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम उनके लिए कर सकते हैं जो लोग देख नहीं पाते। तो ये क्विज हो गई आपकी शेयरिंग और फीलिंग्स। पहले आप इस चैप्टर को पढ़िए, फिर आप क्विज करेंगे तो आपका आसान रहेगा। थैंक यू सो मच। फिर एक और क्विज लेकर के हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय।